हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हर कोई अपनी निजी जिंदगी में प्राइवेसी चाहता है, इसमें किसी भी तरह की दखल किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। हालांकि अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, खासतौर से तब अगर आप अकेले में पोर्न या एडल्ट मूवी देखते हैं। हम पूरी तरह से इस भरोसे में होते हैं कि हम तो बंद कमरे में अपने लैपटॉप पर पोर्न फिल्म देख रहे हैं, भला ऐसे में हमें क्या दिक्कत। परेशानी की वजह ये है कि लेटेस्ट गैजेट्स की मदद से कोई भी आपकी जिंदगी में सीधे सेंधमारी कर सकता है। वह यह जान सकता है कि आप लैपटॉप में क्या कर रहे हैं और यह सारी चीजें जानकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि बंद कैमरे में भी कोई कैसे आप तक पहुंच सकता है। आज फेसबुक लाइव, लाइव कैम, सेल्फी वीडियो और वीडियो कॉल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, जिनके बगैर रह पाना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे की इस दुनिया के बीच जहां हम अपनी जिंदगी के सबसे निजी पल संजोते हैं, वहां कुछ लोग और हैं जो कि आपके इन निजी पलों में सेंध लगाने के लिए बैठे हैं। बंद कमरे के अंदर जब आप लैपटॉप में कुछ देखते हैं, लैपटॉप के कैमरे के उस पार कोई है जो आपको चुपचाप देखता है। कुछ समय पहले फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग एक तस्वीर तेजी से इंटरनेट में वायरल हो रही थी, जिसमें जुकरबर्ग ने अपने लैपटॉप के वेब कैम को ढक कर रखा था, जो कि इस ओर इशारा करता है कि जुकरबर्ग भी इस खतरे से अनजान नहीं है। यानी उन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि वेब कैम के जरिए सेंधमारी होती है। इससे पहले अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जिस तरह से हम घर के दरवाजे बंद करते हैं, वैसे ही हमें अपने लैपटॉप के वेब कैम को भी ढककर रखना चाहिए। किसी भी कैमरे या वेब कैम को कई तरह से हैक किया जा सकता है। सिस्टम पर पासवर्ड न होने की वजह से ये करना थोड़ा आसान हो जाता है, वहीं मेलवेयर या वाईफाई के जरिए भी वेबकैम की हैकिंग का खतरा बना रहता है। 2014 में विकीलीक्स के फाउंडर एडवर्ड स्नोडेन ने एक बड़ा खुलासा किया था। स्नोडेन द्वारा जारी फाइलों के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA ने कुछ ऐसे मेलवेयर बनाए हैं जो कि किसी भी वेबकैम को हैक करके निजी तस्वीरें लेने में सक्षम है। इस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए यूजर को चाहिए कि वह फुल सिक्योर एंटीवायरस का इस्तेमाल करे और उसे अपडेट करते रहें। अगर सिस्टम या वेबकैम की पावर लाइट बिना इस्तेमाल के ब्लिंक हो रही है या लगातार जल रही है तो एक बार सिस्टम की ठीक तरह से जांच की जरूरत है। हो सकता है आपका सिस्टम या वेबकैम हैक किया जा चुका हो।